एक बंदे ने 100 कत्ल किए, जो हमारा रब हमें पाल रहा है, 100 कत्ल करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल बगैर कोई जताए अल्लाह ताला ने कहा जाओ माफ है। 100 कत्ल को छोटा गुनाह नहीं। उसमें से एक उसूल जिंदगी में ये बनाए, दूसरों को माफ करना सीखे। जिस बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी में ये मलका दे दी है कि किसी से गलती हुई उसने माफ कर दी है, इसका मतलब ये है कि उस बंदे ने अपनी जिंदगी में भी सुकून भरा है और उस बंदे ने लोगों की जिंदगी में भी सुकून भरा है। और आप यकीन करें कि आज हमारे मुआशरे में अब सारे इस बात से वाकिफ हैं, हम अपनी अपनी अना को लिए फिरते हैं, हमारे घरों में हमारी बच्चियां बूढ़ी हो रही होती हैं, किसी की बच्ची को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर में लिखी हुई तलाक हो गई, कोई बेवा हो गई, उसके बाद मैं और आप अपनी अना देखते हैं, माशरे में अपनी अना को लिए फिर रहे होते हैं और बच्चियों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हो रही होती हैं। किसी बंदे से जिंदगी में कोई गलती हो जाती है उसको माफ करना सीखें। जब एक इंसान माफ करता है और मैं माज़ा अल्लाह बियाफिनिल्लाह इज़्ज़त, जिंदगी में सारा कुछ हो सकता है, आसमान गिर सकते हैं, समुंदरों में आग लग सकती है, लेकिन ये यकीन कीजिएगा कि जो बात अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमा दी वो उससे एक लफ्ज एक दो आगे पीछे नहीं हो सकती। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यह फरमा दिया ना कि भाई एक दूसरे को माफ़ किया करो, तुम्हारे माफ़ करने की वजह से अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत और ज़्यादा करेगा, फिर ये मुझे और आपको यकीन कर लेना चाहिए कि किसी को माफ़ करने से मेरी इज्जत पे कोई हरफ नहीं आएगा। आज सबसे बड़ा मसला हमारे माशरे में कोई बंदा झुकने को तैयार नहीं, और जब कोई बंदा झुकने को तैयार नहीं होता फिर घर उजड़ते हैं, घर बर्बाद होते हैं, लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद होती हैं और लोग अना का मसला बना बैठते हैं और कोई बंदा किसी दूसरे को माफ़ नहीं करता। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे नज़र डालें। मक्का फतह होने से पहले बड़ी तकलीफ़ें काफिरों ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को दी और इतनी इतनी तकलीफ़ें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को देगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब जब मक्का फतह हुआ है तो हर बंदा ये सोच रहा था कि आज अल्लाह के नबी हमसे बदला लेंगे, आज एक एक से हिसाब बराबर होगा। और वहाँ पे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने चंद अफराद के अलावा बाकी सब को कहा था भी सारे माफ़ हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया है। और फिर आप उसका रिजल्ट देखें, उसके बाद देखें कि लोग अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास कैसे आए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ क्या सलूक किया और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को दीन में कैसे लेके आया। इसलिए मैं ये पहली गुजारिश करूंगा मेरे भाइयों, बुज़ुर्ग सुन रहे हैं, ज़िंदगी में ये उसूल बनाए, किसी बंदे से कोई गलती हो जाती है उस बंदे को माफ़ करना सीखें। और ये अपने जहन में ये सोचा करें, अगर मैं इंसान हूँ, मुझसे अगर गलती होती है तो ये भी इंसान है, ये भी गलती कर सकते हैं। जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है, अब अंदाज़ा लगाएं, एक बंदे ने 100 कत्ल किए, जो हमारा रब हमें पाल रहा है, 100 कत्ल करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल बगैर कोई जताए अल्लाह ताला ने कहा जाओ माफ़ है। 100 कत्ल को छोटा गुनाह नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ किए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी हैं उनकी ज़िंदगी पढ़े।